इस बैठक में आप लोगों का स्वागत है। ये बैठक बहुत कम समय की सूचना पे बुलाई गई है, क्योंकि कल मेरा परिचय अभियांशु सिंह से हुआ जो मोकामा बिहार के रहने वाले हैं, और ये उन नौजवानों नवयुवतियों के समूह में शामिल हैं जो JEE और NEET की परीक्षा देने वाले हैं। और आपको मालूम है देश में इस समय एक बहस बहुत जोरों पे है कि जो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने घोषणा कर दी है कि 1 से 6 तक JEE की परीक्षा होगी और उसके तुरंत बाद ही नीट की भी परीक्षा की तारीख की घोषणा हो गई है। और छात्र लोग ये कह रहे हैं कि भाई कोरोना के समय में आप ये करीब 25-30 लाख लोग इन परीक्षाओं में भाग लेंगे, दोनों को मिला के JEE में करीब 8,58,273 अभ्यर्थी हैं और नीट में ज्यादा हैं। तो छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों का कहना है कि कोरोना के समय में आप ये खतरा कैसे मोल ले रहे हैं कि इतनी बड़ी संख्या में आप छात्र छात्राओं को एक जगह एकत्रित करेंगे परीक्षा देने के लिए, और उसमें काफी खतरा है। एक तो ये बात है, और दूसरी कि कई लोगों के जो परीक्षा केंद्र हैं वो घरों से बहुत दूर हैं, 100-200 किलोमीटर की दूरी में। तो जब सार्वजनिक यातायात की व्यवस्था ठप है, तो ऐसे में आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि लोग अपने वाहनों से परीक्षा केंद्र पे आसानी से पहुंच जाएंगे? लड़कियों के साथ तो आमतौर पे कोई ना कोई अभिभावक जाएगा ही, तो इसका मतलब यात्रा करने वालों की संख्या 25-30 लाख से भी ज्यादा होगी, हो सकता है कि 1.5 गुना हो, अगर दुगना नहीं तो। तो मैं ये चाहूंगा कि पहले जो छात्र इसमें भाग ले रहे हैं वो अपनी बात रखें, तो हम लोग उनकी समस्या को ठीक से समझ लें, और फिर हम लोग अपनी कुछ बात रखेंगे। हम लोगों की तरफ से, जब मैं हम लोग कह रहा हूँ, तो एक हमारी सोशलिस्ट पार्टी इंडिया है, छोटी सी पार्टी है, जो डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा स्थापित की गई थी। ये बहुत पढ़े लिखों की पार्टी थी, आपको ये बता दूं। आचार्य नरेंद्र देव लखनऊ विश्वविद्यालय और BHU के वाइस चांसलर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि भारत के किसी भी राजनीतिक दल के पास इस तरह के बुद्धिजीवी थे जिस तरह की सोशलिस्ट पार्टी के साथ थे, और इसीलिए यह पार्टी चली रही, क्योंकि ये बुद्धिजीवियों की पार्टी थी, और इसको हम लोग फिर से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ गौतम कुमार प्रीतम जी हैं, जो आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीहपुर भागलपुर से उम्मीदवार हैं। हमारे साथ अभय जैन हैं, जो IIT BHU से इंजीनियरिंग किए हुए हैं और अभी अगले महीने अमेरिका जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये आगे ज्वेलरी के काम में कुछ प्रशिक्षण लेने वाले हैं, एक कोर्स करने वाले हैं न्यूयॉर्क में, और फेयर ट्रेड यानी कि अपना व्यापार, अपना व्यवसाय ऐसे कैसे करें कि उसमें किसी का शोषण ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, इस तरह से वो अपना व्यवसाय करना चाहते हैं। और हमारे साथ बॉबी हैं, जो हमारे हर एक कार्यक्रम की सारी व्यवस्था करते हैं, वो अब भी सोशलिस्ट पार्टी के प्रवक्ता हैं, और प्रकर श्रीवास्तव हैं, जो गुड़गांव में रह के और रिलीफ के दौरान उन्होंने काफ़ी काम किया। गुड़गांव से लौटने वाले कुछ परिवारों की सुल्तानपुर जिले में उन्होंने आर्थिक मदद की कि वो गांव जाके अपना कुछ रोजगार वगैरह स्थापित कर सकें। बाकी तो मैं पहचान नहीं रहा हूं, तो जब आप बोलेंगे तब आप अपना परिचय थोड़ा ठीक से करा दीजिएगा। तो मैं चाहूंगा कि अभियांशु पहले अपनी बात रखें, छात्रों की क्या समस्याएं हैं, और फिर अन्य जो छात्र आए हैं वो भी अपनी बात रखें, और फिर हम लोग एक एक करके अपने सुझाव रखेंगे। अभियांशु। यस सर। तो सर, मैंने लास्ट ईयर 12th पास किया था और अभी IIT JEE की तैयारी कर रहा था इस साल ड्रॉप लेके। तो मैं पिछले 2 साल भी मैंने तैयारी की, मतलब अपने शहर पटना से ही। तो मैंने जब, क्योंकि मेरे पास उतना प्रिविलेज नहीं था कि कोटा जाकर पढ़ सके, तो मैंने पटना से ही शुरू की पढ़ाई।
तो मैंने एक चीज देखी कि टीचर्स जो कोचिंग में है वो पढ़ाई से ज्यादा इस बात से कंसर्न रखते हैं कि हम मुझे पैसा कैसे आना, मुझे पैसा मतलब कैसे ले सके स्टूडेंट से किसी भी तरह से। उनको मतलब पहले तो इसलिए आईआईटी का हाइप ज्यादा कर देते वही लोग, क्योंकि बोलेंगे कि अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, तुम अमीर हो जाओगे वगैरह। और स्टूडेंट्स वगैरह भी देखते हैं जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं कि उन लोगों की लाइफ थोड़ी सी अच्छी है, वो कार से रोज आ रहे हैं, क्योंकि लाखों स्टूडेंट्स लाखों पे करते हैं वहाँ उस कोचिंग में पढ़ने के लिए। तो मैंने फर्स्ट ईयर ही देखा देखा कि जो मैंने कोचिंग ज्वाइन की वो मेरे जो रिलेटिव थे उनके फ्रेंड की थी कोचिंग। तो मैंने देखा कि ऐसे उनके जान पहचान में थे तो मैंने ज्वाइन कर ली। उसके बाद मैंने देखा कि उन्होंने खुद वो कोचिंग छोड़ दी, और मुझे पहले जब स्टार्ट की थी तो एश्योरेंस दिया कि चलो तुम्हें अच्छा पढ़ाया जाएगा वगैरह वगैरह, और कुछ ऐसा नहीं हुआ, सब मिलके धीरे। पहले तो क्या हुआ कि उस कोचिंग का इतना नाम कर दिया गया कि टीचर्स 4 और बैचेस जो थे 12-13 बन गए, और सब में 100-100 बच्चे बस टीचर्स के नाम देख के जो यहाँ होता है तो वो ज्वाइन करने लगे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे उनका मैनेजमेंट कुछ गड़बड़ था, उनके जो डायरेक्टर थे जिन्होंने फाउंड किया था उन्होंने मतलब उसको पूरा ऐसे मैनेज किया कि टीचर्स छोड़ने लगे, कन्फ्लिक्ट होने लगे, इन सब में स्टूडेंट का सिर्फ बर्बादी हो रहा था। वो लोग 1 लाख 2 लाख दे चुके थे पहले ही और कुछ कर भी नहीं सकते थे। तब मैंने सोचा कि ये लोग बस, और देखा कि मैं बस बस ये हाइप बना के कि आईआईटी तुम कर लोगे तो तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी हमेशा के लिए। ये स्टूडेंट्स देखे वो सबको मतलब चाहते पैसा लूटना चाह रहे थे, और ये बड़े बड़े कोचिंग में तो बहुत ज्यादा स्तर पर होती हैं। तो मैं यही सोचता हूँ कि हमारे समाज में एक जागरूकता होनी चाहिए कि आईआईटी के बाद लाइफ क्या है और आईआईटी में पढ़ने, और एक है कि एडमिशन सिस्टम थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मतलब पेरेंट्स को भी समझ आना चाहिए कि क्या जरूरी है, क्या पढ़ना जरूरी है, क्या मतलब ऐसे नहीं कि टीचर्स लोग उनको मतलब बुद्धू बना के जैसे बना रहे हैं। और जैसे कि मैं जानता हूँ कितने तो एमएनसी के कंपनी के जॉब छोड़ के ये ज्वाइन करते हैं क्योंकि करोड़ों का पैकेज उनको मिलता है, जो कि अगर आईआईटीज वाले जो प्रिंट करते कि 1 करोड़ पैकेज मिल रहा है आपको अगले अगले मतलब पेपर्स न्यूज़पेपर्स में प्रिंट करते कि 1 करोड़ पैकेज मिला इनको, 2 करोड़, बच्चे बस वही देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि मतलब हम भी कर लें तो सबको 2 करोड़ 2 करोड़ मिल जाएगा, ऐसा सोचने लगते हैं। और सबका एम रहता है सीएस ब्रांच जो कि बहुत कम को मिलता है, और शायद मैं देखता हूँ कि जो टॉप 100 और या टॉप 50 रैंकर्स होते हैं सब एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से होते हैं, उनके पास सभी चीज की एसेस होती है, अच्छे कोचिंग टीचर की, अच्छे गाइडेंस की कैसे करना। और मैं ये भी जानता हूँ कि सबसे बड़ी चीज है कि गाइडेंस भी नहीं होती है अच्छी तरीके से कि कैसे तैयारी करना चाहिए, आखिर एग्जाम किस टफ लेवल का है, ये सब। और ये सब का कोचिंग फायदा उठाती है, और बहुत सारे बच्चे इसी आशा में कि आईआईटी मेरा हो जाएगा वो ज्वाइन कर लेते, और उनको बस एक सपना दिखा दिया जाता है। बस मैं यही चाहता हूँ कि ये सब जागरूकता है समाज में, और एक नया जो वे है वो खोजा जाए कि जिस तरीके से सबका वेलफेयर, और एक चीज है कि शिक्षा तो सबका अधिकार है, फिर क्यों ये डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और ऐसा पेरेंट्स के भी मन में होता है, मैं जैसे कि बात करता हूँ गार्डियंस वगैरह तो बोलते हैं कि नहीं तुम आईआईटी करो, और उन स्टूडेंट्स को जो बच्चे उसको लिटरली चैलेंज करते हैं कि तुम अगर करके दिखाओगे तो तभी तुम माने जाओगे कि तुम अच्छे हो, अगर आईआईटी नहीं हुआ तो तुम माने जाओगे कि कुछ नहीं हो। ये सब मैं चाहता हूँ कि ऐसे बच्चे ऐसे प्रेशर में आते हैं और इसलिए शायद बहुत सारे सुसाइड भी कर लेते हैं। हाँ, ठीक है। अभी अभिहांशु, आपने जो कोचिंग वगैरह की समस्या है वो उसके बारे में बताया, और इस पे हम लोग और बात रखेंगे आगे। तो इस समय तो कुछ और लोग आए थे लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि चले गए हैं, तो अब मैं चाहूँगा कि तो हम ये मान रहे हैं कि हमारी
या आप लोगों की जो मुख्य मांग है वो ये है कि जो प्रवेश परीक्षा है इसको स्थगित किया जाए, सही बात है ना अभियांशु? यस सर। और अगर अगर संभव हो तो एक नया तरीका खोजा जैसे जिससे ये सब जो कोचिंग माफियाज वगैरह है वो बंद हो पाए वो हमेशा के लिए। ये बहुत और ये अच्छा मौका है अभी का, अभी स्टूडेंट्स मतलब बहुत ज्यादा विद्रोह में, कुछ भी कर सकते हैं। ये बात बहुत अच्छी कही अभियांशु ने कि ये मौका है कि हम इस पूरी प्रणाली को कोचिंग संस्थाओं से किस तरह से मुक्त करा सकें, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो मैं चाहूँगा अभय जैन, चूंकि IIT के विद्यार्थी रहे हैं और उनको मालूम है कि क्या क्या परेशानियाँ आती हैं छात्रों के सामने, तो थोड़ा सा आप अभय दोनों दोनों बिंदुओं पे अपनी बात रखें कि कैसे ये परीक्षा को आगे बढ़ाया जाए और ताकि कोरोना का खतरा छात्रों को ना रहे, और दूसरा कि परीक्षा लेने का क्या और कोई मानवीय तरीका हो सकता है जिसमें छात्रों को कोचिंग संस्थानों से मुक्ति मिले और इस तरह के मानसिक दबाव से मुक्ति मिले जिसमें कई छात्रों को आत्महत्या करनी पड़ती है जैसे कि अभियांशु ने बताया। अभय जैन सर, मेरा तो ये मानना है कि जो अभी एग्जाम हो रहे हैं IIT JEE के 1 से 6 सितंबर को, वो नहीं होने चाहिए किसी भी मतलब किसी भी लेवल पे, वो एग्जाम्स पॉसिबल नहीं है। क्योंकि एक रीज़न तो ये है कि पिछले 6-7 महीनों से जब से कोरोना है तब से विद्यार्थी जो हैं वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी जो हैं उनके घर में जैसे किसी रिलेटिव को या माँ बाप को कोई कोरोना ग्रस्त हो गया तो उस वजह से वो विद्यार्थी नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं। दूसरा रीज़न ये है कि काफ़ी सारे विद्यार्थी आज के टाइम में डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, जब से कोरोना है तब से जो डिप्रेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है विद्यार्थियों में। तो यहाँ तक ये देखा गया है कि पिछले 1 महीने में एम्स दिल्ली के 3 विद्यार्थियों ने आत्महत्या कर ली है डिप्रेशन के कारण। तो ये देखा जा रहा है जब से कोरोना है मार्च से लेके अभी तक छात्रों में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है। और एक रीज़न ये है कि फाइनेंशियल रीज़न, कि कोरोना की वजह से कई लोगों के घर पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिस वजह से वो लोग मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं है जैसे लैपटॉप हो गया या बहुत सारी चीज़ें होगी, तो उस वजह से वो लोग ऑनलाइन एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारी लॉकडाउन की वजह से पढ़ाई की दुकानें और स्टेशनरी की दुकानें ये सब बंद हैं, तो पढ़ाई तो बहुत सारे छात्र केवल सिर्फ मुझे लगता है जो प्रिविलेज छात्र हैं केवल वो ही लोग पढ़ पा रहे होंगे इस समय में, पर जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या जो उससे भी नीचे तबके के छात्र हैं वो लोग एक तो पढ़ाई नहीं कर पा रहे होंगे, एक तो मुझे ये लगता है कि छात्रों की प्रिपरेशन पूरी नहीं है इस वजह से। और मुझे ये लगता है कि मतलब एग्जाम को स्थगित करना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अगर 1 साल स्थगित भी हो जाता है एग्जाम तो उससे छात्रों के जीवन पे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि 1 साल का ड्रॉप आ जाएगा। पर बहुत सारे पहले तो क्या हुआ करता था IIT JEE के टाइम में, जब 2 अटेम्प्ट की सीमा नहीं थी, जब कितने भी छात्र अटेम्प्ट दे सकता था उस समय में, तो लोग बहुत ज़्यादा ड्रॉप किया करते थे 4-4, 5-5 साल। तो अगर 1 साल इस बार 1 साल और कोई छात्र ड्रॉप भी कर ले, 1 साल परीक्षा स्थगित भी हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि छात्रों के जीवन पे कोई बहुत बड़ा असर पड़ेगा इसका। और जो ऑनलाइन एजुकेशन की कुछ लोग मतलब ये बोल रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन की जाए, ऑल्टरनेटिव ये बता रहे हैं ऑनलाइन एजुकेशन की जाए, तो मुझे सर उसमें ये दिक्कत लगती है कि ऑनलाइन एजुकेशन में जो इंटरैक्टिव एजुकेशन है कि स्टूडेंट्स आपस में भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और स्टूडेंट्स प्रोफेसर से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वो इंटरेक्टिव पार्ट है जो एजुकेशन का वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो उस वजह से मुझे नहीं लगता कि ऑनलाइन एजुकेशन एक रिप्लेसमेंट है एक्चुअल क्लासरूम लर्निंग का। और मैंने ये देखा है IIT के समय में अपने कि हम लोग अपने सहपाठियों से अपने क्लासमेट से ज़्यादा सीखते हैं यहाँ, बल्कि अपने प्रोफेसर से इतना नहीं सीख पाते। तो मुझे लगता है कि एजुकेशन का 90% पार्ट अपने सहपाठियों से आता है, तो वो ऑनलाइन एजुकेशन में वो चीज़ मिस हो जाएगी कहीं ना कहीं। और एक और चीज़ है सर कि ऑनलाइन एजुकेशन में जो इंटरनेट है आजकल वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है,
क्योंकि लोग ऑनलाइन एजुकेशन में कंसंट्रेट नहीं कर पाते, मतलब 2 घंटे की क्लास के समय लोग 2 घंटे की क्लास नहीं देख पाते, लोग वीडियो गेम्स खेलने लगते हैं, फेसबुक करने लगते हैं, तो उनका जो अटेंशन है, उनकी जो कंसंट्रेशन है वो डाइवर्ट हो जाती है। तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए सर बहुत ज़्यादा लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल जो है आजकल छात्रों में, तो ऑनलाइन एजुकेशन में वो लोग मुझे नहीं लगता कुछ सीख पाएंगे। और एक और चीज़ है, जैसे आपने भी बताया कि एग्जाम के लिए, एग्जाम देने के लिए जो छात्रों को ट्रैवलिंग करना पड़ेगा बस से या ट्रेन से, तो उससे भी सर पॉजिटिव होने का खतरा है छात्रों को, और उनके द्वारा उनके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उन सबको भी पॉजिटिव होने का खतरा है। और एक रीज़न ये भी है कि यातायात का साधन बंद है आजकल बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से बहुत सारे छात्र तो सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, जिनके पास प्राइवेट व्हीकल नहीं है वो सेंटर तक नहीं पहुंच पाएंगे। और एग्जाम में तो ये होता है ना कि प्रवेश परीक्षाओं में कि 15-20 मिनट भी लेट हो जाए छात्र तो उसको एंट्री नहीं मिलती, तो जब यातायात का इतनी हालत इतनी खराब है कोरोना के टाइम में, तो एंट्री लेट जिस छात्र की होगी तो उसको एंट्री नहीं मिलेगी, तो उसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। और तो मुझे लगता है कि सर कि एक सेमेस्टर को तो स्थगित करना ही चाहिए इस बार, एक सेमेस्टर को, क्योंकि अगर इंडिया में जैसे बहुत सारी कंट्रीज हैं, स्पेन हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, बहुत सारी कंट्रीज में कोरोना को कंट्रोल किया गया है, तो मुझे लगता है कि एक सेमेस्टर को अगर स्थगित किया जाए और कोरोना को काफी हद तक अगर हम लोग कंट्रोल कर पाए एक सेमेस्टर के बाद, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता छात्रों के उस पर। तो बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इसको स्थगित किया जाए और छात्रों को कुछ समय दिया जाए ताकि वो अपनी तैयारी रिवाइज कर लें अपनी घर बैठ के, जो मानसिक रूप से भी वो स्टेबल हो जाए एक बार छात्र, उसके बाद वो एग्जाम दे पाए। और सर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने बहुत सारे बड़े यूनिवर्सिटी जो फेमस है, जो अमेरिका के है, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, ये सब वगैरह की वेबसाइट विजिट की, तो वो तो इस ईयर तो सेट और एक्ट की जो एग्जाम के बेस्ड पर एडमिशन लेते हैं उसको ही सस्पेंड कर रहे हैं। बस सिर्फ वो सेट और एक्ट एग्जाम को ही बोल रहे कि इस ईयर के लिए स्थगित है, और इंटरव्यू बेस्ड जो जैसे भी वो स्टार्ट कर रहे हैं वो एडमिशन प्रोसेस। ठीक है, अब मैं तो अभय जैन ने जो है बहुत स्पष्ट रूप से बात रखी कि इम्तिहान क्यों नहीं होने चाहिए, आगे बढ़ाए जाने चाहिए। मैं अब चाहूँगा कि हमारे साथ प्रकर्ष श्रीवास्तव हैं गुरुग्राम से, तो प्रकर्ष भाई भी अपनी कुछ बात रखें। प्रकर्ष आप सुन रहे हैं बात? हाँ प्रकर्ष आ गए जी, थोड़ा अपना वीडियो भी ऑन कर लीजिए। जी 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 नमस्ते अंकल, नमस्ते नमस्ते। बाकी सभी को हेलो और नमस्ते। मेरा नाम प्रकर्ष है और मैं हाल ही सोशलिस्ट पार्टी में जुड़ा हूँ। इनफैक्ट कल ही जुड़ा हूँ सोशलिस्ट पार्टी से। तो आप सबकी बात मैंने सुनी और मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जब तक, अगर ये एकेडमिक सेशंस बुलाना चाहते हैं आईआईटी वाले, तो या तो जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन इन लोगों को पेपर्स बेच के, फॉर्म्स बेच के साइन करा लें कि अगर उनको कुछ भी कहीं होता है तो ये उनका सारा खर्चा उठाएंगे, जितना भी इनको इश्यूज होते हैं या फिर जो भी एक्सपेंसेस आएंगे इनके। अगर ये साइन करके आईटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑनलाइन जैसे फॉर्म फिल होता है वैसे स्टूडेंट्स फिल करा सकते हैं, अगर इसकी हामी वो भरते हैं तो ठीक है, स्टूडेंट्स आने को तैयार हो जाएंगे कहीं ना कहीं। ये सारा खर्चा उनका, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उठाएगा, उनको कहीं भी कुछ भी होगा तो, राइट? या उनके फैमिली मेंबर को भी होगा, क्योंकि डेफिनेटली ट्रांसमिट होता है ये चीज़, कई लोगों के पेरेंट्स भी छोड़ने आएंगे। तो इस तरह का एक मुहिम हम लोग चला सकते हैं उन लोग को सजेस्ट करके, जहाँ पे हम लोग जो प्रबंधन है उनको हम लोग अकाउंटेबल ठहराएं, और इससे वो लोग, उन लोगों को पुशबैक भी होगा कि अगर हमें अकाउंटेबिलिटी लेनी है तो जाहिर सी बात है कि हम ना ही करें तो बेटर हो। तो क्यों नहीं करें, आई थिंक वो रीजंस अभय ने बहुत अच्छे से बताए, अभी अंशु ने भी बहुत अच्छे से बताए, एंड आई टोटली अग्री। उसके अलावा है नहीं उस परव्यू के बाहर और कुछ। और
हाँ, कुछ चीजें हैं ऑनलाइन एजुकेशन को लेके जो हम सबके विचार हैं ऑनलाइन एजुकेशन को लेके। तो ऑनलाइन एजुकेशन बुरा नहीं है, जैसे कि मैं कहता हूँ कि वो एक टूल है, ठीक है। उसका इस्तेमाल किस तरह से हम कर सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करेगा। अगर कोई कई ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इन पर्सन शिक्षा नहीं दी जा सकी है हिस्टोरिकल, यानी कि पहले, और जहाँ अभी भी पहुँचने में दिक्कतें हैं मान लीजिए, तो वहाँ हम डेफिनेटली इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ हमारी पहुँच हो सकती है इन पर्सन शिक्षा देने के लिए और वहाँ हम नहीं पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पे इसको लागू करना एक तरह से डीमोटिवेट करना होगा, या फिर जो भी हमारा एजुकेशन का पैराडाइम है उसको बहुत अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएंगे हम जहाँ जहाँ पॉसिबल है। तो एक तरह का बैलेंस हमें देखना चाहिए कि कितना परसेंटेज हमें ऑनलाइन चाहिए, कहाँ पे चाहिए। और अब फॉर एन एग्जाम्पल, डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ तो राजस्थान के एरियाज हैं कुछ कुछ, या फिर उत्तरांचल और हिमाचल के एरियाज हैं जहाँ पे नेटवर्क तो है बट सरकारी स्कूलों में टीचर्स नहीं है या बिजली नहीं है, वहाँ डेफिनेटली हम ये सारी चीज़ों का फायदा उठा सकते हैं, राइट। तो सर इतना ही कहना चाहूँगा मैं तो। जी ठीक है प्रकर्ष। तो प्रकर्ष का सुझाव ये है कि अगर सरकार परीक्षा कराए तो फिर वो जिम्मेदारी भी ले अगर कोई कोरोना से प्रभावित होता है उसकी। मैं चाहूँगा कि गौतम भाई, क्योंकि युवाओं के बीच में काम करते हैं, युवाओं की नीतियों के बारे में सोचते रहते हैं, और हमारे राजनीतिक दल के एक महत्वपूर्ण नेता हैं, तो एक राजनीतिक दल के रूप में हमको क्या भूमिका लेनी चाहिए गौतम भाई? आप, हमारे नौजवान, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा हाँ, थोड़ा सा इसको अपने पास करिए माइक को। हाँ अच्छा हाँ ठीक है। हाँ तो सभी साथी को जिंदाबाद। और हाँ, आवाज आ रही होगी, ठीक है आवाज। हाँ हाँ, तो सभी साथी को जिंदाबाद, और खास करके जो हमारे नौजवान साथी हैं, छात्र हैं, और बहुत ही बढ़िया आपने पहल लिया है कि सरकार इस कोरोना के आड़ में कहें तो छात्रों और युवाओं के साथ सबसे ज्यादा दमन कर रहे हैं। और जब इस तरह एक तरफ सरकार का पूरा मुहिम, आप देखेंगे कि मोबाइल पर आप किसी को फोन लगाएं तो पहले वो आपको ना पका देता है, वो 10 सेकंड 15 सेकंड इतना ना कोरोना के बारे में बोलता है कि आदमी ऐसे ही हार्ट फेल कर जाए। तो कोरोना का जब इतना बड़ा महामारी है, हम पिछले भी बैठक में हम लोगों ने एक नारा दिया है कि अगर कोरोना है महामारी तो क्यों है चुनाव की तैयारी। बिहार में देखेंगे जबरदस्त चुनाव की तैयारी चल रही है, एकदम से सड़कों पर वो जो है इंटरनेट के द्वारा भाषण उषण चल रहा है, टीवी लगा लगा करके। एक तरफ जो हमारे देश के तमाम छात्रों को ऐसा ही छोड़ दिया, कितने हॉस्टल में फंसे रहे, कहीं कॉलेज के अंदर फंसे रहे, कई दिन भूखे रहे, कई पैदल चल के, साइकिल से चल के, ट्रक पे चढ़ के वापस घर आ गए। जैसे कि अभी हमारे साथी अभय जैन बता भी रहे थे कि 3 छात्रों ने दिल्ली के अंदर खुदकुशी कर ली। ये खुदकुशी नहीं है, ये सरकार द्वारा एक संस्थानिक हत्या है। हम लोग इस तरह से देखते हैं कि छात्र पढ़ने गए, खुदकुशी करने थोड़ी गए हैं, लेकिन आप उसको फंसा देते हैं ऐसे तरीके से कि वो एक तरफ तो माता पिता का एक आकांक्षा है, समाज में एक प्रतिष्ठा भी मम्मी पापा बना देते हैं कि मेरा बेटा देखो दिल्ली में पढ़ रहा है, मेरा बेटा IITian बनने गया है। तो समाज में एक प्रतिष्ठा ऐसी बन जाती है कि अगर आप उस डिग्री के साथ वापस नहीं लौटते हैं, अच्छे अंकों के साथ नहीं लौटते हैं, तो समाज में फिर आपको मानसिक प्रताड़ना से जूझना पड़ता है। तो पहले तो हम अभियांशु सिंह जी का धन्यवाद करते हैं कि आपने बहुत ही सेंसिटिव सवाल उठाया है, और बिहार से आप बताए कि यहाँ मोकामा के तरफ से हैं, मैं भागलपुर से हूँ, मराठी से। मराठी से। चलिए, मराठी में आपके गांव में गया हूँ, कई बार गया हूँ कबड्डी खेल के वजह से, तो लोग मुझे जानते हैं। तो खैर, तो ये महत्वपूर्ण चीज है कि आज छात्रों को हमेशा हर जगह दबाया जा रहा है, शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पर, और आप ऐसे समय में एग्जाम ले रहे हैं जिसमें जो सक्षम परिवार हैं, जिनके पास 4 व्हीलर होगी, अच्छी 4 व्हीलर होगी, जिनको हवाई यात्रा करना आसान हो सकता है, यानी कि जिनके जेब में आमदनी है, वो परीक्षा के जगह तक पहुंच सकते हैं, होटल में ले सकते हैं या अपने रिलेशन में रह सकते हैं।
लेकिन इस क्षेत्र में अपने देश में तो 70 से ज्यादा फीसदी 80% जो छात्र है वो गरीबी में है, जमीन बेच करके उनके मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं या कर्ज लेके पढ़ा रहे हैं, बैंक से कर्ज लेके पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में ये जो एग्जाम है, ठीक ही कहा है प्रकृष श्रीवास्तव जी ने कि वो अगर एक सेमेस्टर हम अगर एग्जाम नहीं होता है तो बहुत पहाड़ टूटने वाला नहीं है। आप जो कोरोना का समय है वो एक साल सभी लोगों का उधर जो एग्जाम के बाद जो नौकरियों में जो एज का छूट होता है तो सबों के लिए एक साल बढ़ा दे। देश के जितने भी हमारे छात्र हैं आप उसमें जो भी वर्ग बांटते हैं पॉलिटिकली, लेकिन सबों का एक साल आप एक्सटेंड कर दें कि भाई एक साल कोरोना में लैब्स हुआ तो सब लोगों को एक एक साल का हम एक्स्ट्रा वो देते हैं। तो ये सब डिमांड लेकर के छात्रों को एकदम से विरोध करना चाहिए। और जब कह रहे हैं कि 50 लोग इकट्ठा हो सकते हैं तो हम तो छत पे ही 10 लोग खड़े होकर के वहीं से बैनर पोस्टर बना के, सभी पढ़े लिखे छात्र हैं, एक हाथ में ऐसा लीजिए उस पर लिख डालिए और उसका विरोध करिए, सारे छात्र यूनाइट हो जाइए, छात्र छात्र को चाहे, ये देश तो छात्रों का युवाओं का है। अगर समूचे अब IITian अगर इस तरह से बोलने लगेंगे तो जो साधारण इंटर बीए करने वाले छात्र हैं उनको हौसला मिलेगा कि नहीं भाई एक IITian इस तरह से बोल रहे हैं, IIT का तैयारी करने वाले, एक तो इमेज है ना, IITian का एक बड़ा इमेज है देश के अंदर, मेडिकल को पढ़ने वाले इंजीनियरिंग पढ़ने वाले का एक इमेज है, इधर हम लोग जैसे आर्ट पढ़ने वाले को उतना इमेज नहीं दिया जाता है। तो उनको ये एकदम से ले लेना चाहिए और इसको पूरा प्रचारित करें, सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग करें। हमारे संदीप भैया भी IITian है तो इनका सुझाव सबसे महत्वपूर्ण सुझाव होगा, मेरी ये सुझाव यही है कि ये जो मुहिम आप लोगों ने शुरू की है कि और कोचिंग का जो सबसे बड़ा खेल है, हमेशा ऐसा सही कहा अभियांशु जी ने कि कोचिंग जाएंगे ना सर तो आपको इतना बड़ा बड़ा ख्वाब दिखा देगा कि पता नहीं कोचिंग से निकलते ही आप देश के बड़े करोड़पति हो जाएंगे, सही का। और वो पैसे को ऐठते हैं कि बताइए चार टीचर, आप तो पटना में अभी बंद है, एक जो क्लास लेता है 1500 विद्यार्थी को वो बड़ा सा स्क्रीन लगा करके एयरफोन कान में लगा करके माइक से और वो पढ़ाते हैं, पैसा लूटते हैं, गजब है। तो ये बंद होना चाहिए, इसीलिए हम लोग सोशलिस्ट पार्टी हमेशा समान स्कूल शिक्षा प्रणाली की बात करते हैं, हम लोग शिक्षा में किसी प्रकार का भेदभाव किसी से नहीं चाहते हैं, ये तो सोशलिस्ट पार्टी का शुरू से एक एजेंडा रहा है। तो आप सब पार्टी से भी जुड़ रहे हैं और नहीं भी जुड़ रहे हैं तो देश के लिए जुड़ रहे हैं कि समाज में देश में एक अच्छा माहौल बने, बेहतर बने। तो हमारा सुझाव है कि इसको सेंसिटिव लें और इस पर पुरजोर से काम करें, हम सब जो हम लोगों का संगठन में है या इस बात को संगठन में रहे ना रहे छात्र इसको पकड़ेंगे और ये जरूरत है देश के लिए। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद गौतम भाई, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, अगर छात्र इसमें कोई भूमिका ले लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिससे सरकार के ऊपर दबाव बन सके। और मैं चाहूँगा कि आज थोड़ा बॉबी भाई भी बोलें, क्योंकि बॉबी भी नौजवान हैं और वो आमतौर पे सिर्फ हम लोगों की मीटिंगों का इंतज़ाम कर देते हैं लेकिन खुद पीछे रहते हैं, कभी अपनी फ़ोटो भी नहीं दिखाते हैं। तो आज बॉबी थोड़ा सा बताएं कि इसमें नौजवानों छात्रों को क्या करना चाहिए। बॉबी आज फोटो भी दिखा हाँ, 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 आपको हाँ, नहीं सर, अब मेरे ख्याल से सारी बातें कह दी गई है संदीप भैया, तो आप लोग उस मीटिंग को आगे ले जाइए और नौजवान तो 50 साल के नहीं रह गए, एक जमाने में जरूर नौजवान रहे हैं, लेकिन ये एग्जाम की जो ये पूरी प्रोसेस है और अब मेरे ख्याल से सभी मुद्दे आ चुके हैं और जो बातें आप लोगों ने बोली हैं ये और ज्यादा विभत्स हो गई हैं जब हम लोग लेट 80s में और 91-92 में यही इसी दौर में थे, स्कूल से जब यूनिवर्सिटी और एग्जाम और इंजीनियरिंग मेडिकल का एग्जाम और ये सब दे रहे थे तो तब ये सब शायद इतना कम था थोड़ा बहुत कोचिंग का, लेकिन अब जो मैं सुन रहा हूँ आप लोगों से तो ये तो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। और संदीप भैया का लेख पढ़ने के बाद ही मुझे कई चीजें मालूम चली कि उदाहरण के तौर पे जैसे कि जितनी इंजीनियरिंग की सीट है लगभग उतनी बच्चे एग्जाम देते हैं, बताइए ऐसे में इतने बड़े बड़े एग्जाम और इतना बड़ा पूरी प्रणाली की जरूरत ही क्या है फिर। तो ये बात बहुत जरूरी है कि मुझे लगता है कि ये एग्जाम की जो पूरी कॉर्पोरेटाइजेशन जो हो गया है ये भी बहुत जरूरी है कि जिस तरीके से इसमें पूरी इंडस्ट्रीज पल रही, जैसे कि चाहे वो कोचिंग की इंडस्ट्री हो
या प्राइवेट एजुकेशन की हालत हो, और आज जैसे मेडिकल अगर आप हालत देख लीजिए तो देश में ये पिछले कुछ सालों में ही ऐसा हुआ है कि अब हमारे पास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ज्यादा हैं और सरकारी मेडिकल कॉलेज कम हो गए, ये स्थिति पलट गई है, आप बताइए। और जबकि अभी कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि अगर कोई भी स्वास्थ्य सेवा चल रही है और खास तौर से जनता के लिए, तो वो तो सरकारी स्वास्थ्य सेवा है जिसको हम लोग इतना कमजोर कर चुके हैं, वही हाल और बाकी चीजों में भी है। तो ये बहुत मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी है कि इस जो निजीकरण है, जो उद्योगीकरण है शिक्षा का, उसको इस जड़ पे यहाँ पर इसको एड्रेस करना, जो गौतम भाई ने बात बोली है ये बहुत जरूरी है, और अभियांशु अभय ने जो बात रखी है ये बहुत जरूरी है कि इस युवा एकत्रित हों, ये आप लोगों का है, आप लोग इतनी बड़ी भारी संख्या में हैं, आप अगर एकत्रित हो गए, आप एकजुट हो गए तो जरूर दबाव बनेगा। और सर मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहता हूँ। हाँ बताइए। जैसे कि क्यों ये मतलब एक इकोसिस्टम बन चुका है, जैसे लाइफ साइकिल होता है ना वैसे बन चुका है कि ये जो क्या करते हैं, पहले तो कोचिंग स्टार्ट होता है, स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं कि आप जाइए आईआईटी, आपकी लाइफ चेंज होने वाली है, फिर वहां जाते हैं आईआईटी जाते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं उसी इकोसिस्टम को बरकरार रखने के लिए, फिर से वहां से ग्रेजुएट होके फिर से वो टीचर बन जाते हैं, और क्योंकि उनको अपना प्रोपागेंडा फिर से चलाना है, फिर वही मोटिवेट करते हैं कि फिर तुम जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी, मतलब ये फिर एक साइकिल बन जाता है, फिर ब्रेक ही। इसलिए तो टीचर्स लोग इंसिस्ट करते कि तुम ऐसा करो, और बस एजुकेशन छोड़ के बस मैं देखता हूँ कि मतलब दिस इज में लिटरली बच्चों की इंटरेस्ट भी नहीं है, वो बच्चे जबरदस्ती पढ़ते हैं और इसलिए उनका मन नहीं लगता है। जैसे मैं, अगर मुझे मैथ बहुत पसंद है, लेकिन शायद मैं नहीं जानता था कि मैं पहले तो कुछ पता ही नहीं था आईआईटी के बारे में, जब 10th में स्टार्ट की प्रिपरेशन, 10th में जाना इस बारे में, तो जब, और मैंने क्या किया कि जैसे मैं पढ़ता था गांव में, तो मराठी में तो जानते, मराठी जैसे आप गौतम सर भैया जानते होंगे कि यहाँ पर मतलब उतने बड़े बड़े स्कूल्स नहीं है, तो मैं बढ़िया जाता था स्कूल के लिए, और वहां पर तो कितने लोग, मुझे बचपन से ही इच्छा थी कि मैं बड़े बड़े एग्जाम से भाग लूं, अपनी मतलब अच्छे से तैयारी करूं, अच्छा नॉलेज मिले, तो मैंने ओलंपियाड सुना था, तो मैं गया, वो स्कूल एफिलिएटेड नहीं था खुद से, तो वो बार से एफिलिएटेड था, आदर्श ज्ञानोदय नाम के स्कूल थे, और मैं वहां गया तो मैंने उसके अकाउंटेंट से पूछा कि क्योंकि ओलंपियाड के लिए स्कूल का चाहिए, स्कूल से फॉर्म भरा जाता है, तो मैं जब गया और मैं पूछा कि ओलंपियाड के लिए फॉर्म भरना है, सो आप अपने स्कूल को रजिस्टर कीजिए वेबसाइट पर जाके, तो बोलते कि ओलंपियाड होता क्या है, नहीं हमको पता, हम नहीं कर सकते कुछ, आप जाइए। तो उसी समय में ओलंपियाड की फिर चर्चा ही नहीं हुई, और फिर मैंने जब 11th में गया जिस कोचिंग में, उस कोचिंग में भी मैं चाहता था कि ये सब एग्जाम के बारे में जानूं, तैयारी करूं, लेकिन वहां भी नहीं, 12th बीत गए और 12th के बाद फिर ओलंपियाड दे ही नहीं सकते थे। तो मैं ये सब सोच, और जैसे कि फिजिक्स मुझे उतना इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्टिंग लगता है थ्योरेटिकल, लेकिन उस पर जो मतलब जो कोचिंग वाले करवाते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पर क्वेश्चन, मतलब इतने कॉम्प्लेक्स बना देते हैं कि इमेजिन करना भी हार्ड हो जाता है कि कहाँ क्या फोर्स लग रहा है, और बोलते हैं कि इमेजिन करो बिना किसी मतलब दिखाए हुए कि कैसे इमेजिनेशन करना है। तो ये सब मैं सोचता हूँ, ऐसा नहीं है कि कुछ टीचर्स अच्छे भी है, हर सब भी बेकार नहीं है, लेकिन ऐसा बस 2% और 3% है, क्योंकि उनको भी, वो भी जानते कि अगर मैं गलत बोलूंगा और स्टूडेंट जान जाएगा तो मेरी बिजनेस ही बंद हो सकती है, तो फिर हम भी ये सोचता हूँ कि ये सब बुराइयां हैं। संदीप भैया, अभय जी कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ अभय भाई बताइए। सर जैसे गौतम जी ने बताया कि अगर स्टूडेंट्स एकजुट हो जाएं और सरकार पे दबाव डालें तो सरकार स्टूडेंट्स की बात मानने को तैयार होगी, पर मुझे सर ऐसा लगता है कि जिस हिसाब का पॉलिटिकल माहौल है कंट्री में, और जैसे मीडिया को फोर्थ पिलर बोला जाता है, पर आजकल मीडिया की जो इम्पार्शियलिटी नहीं देखने को मिलती, ठीक है, तो जैसे सर जेएनयू प्रोटेस्ट हुआ, एंटी सीएए, एंटी एनआरसी प्रोटेस्ट हुआ,
इतना ज्यादा सरकार पे लोगों ने अपनी बात रखने की कोशिश की, साहित्य अकादमी अवार्ड्स भी लौटाए गए सरकार को, फिर भी सर पॉलिटिकल एटीट्यूड ऐसा है आजकल कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। जो राजनेताओं का मन है वो सिर्फ वो कर रहे हैं, जो उनके दिमाग में आ गया वो सिर्फ वही कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि, और मुझे लगता है कि अगर स्टूडेंट्स कोशिश भी करेंगे सरकार पे दबाव डालने की, तो मुझे नहीं लगता कि उनको मीडिया कवरेज तक भी मिलेगा। तो बिना मीडिया कवरेज के तो ना तो पूरे देश को इस समस्या का पता लगेगा, क्योंकि मीडिया की जो पार्शियलिटी आजकल बहुत देखने को मिल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि दबाव का कोई भी असर होगा। मुझे लगता है कि पॉलिटिकल माहौल जो है आजकल वो इस हिसाब से हो रहा है कि बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग है, लोगों से नहीं पूछा जा रहा, और लोगों की जो बात है, जो लोगों की इच्छाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनका भी ख्याल नहीं रखा जा रहा। तो मुझे नहीं लगता कि दबाव कोई सॉल्यूशन है आज के टाइम में, बस यही कहना चाहता हूँ। तो इस पर मैं ये कहूंगा कि शायद ये कुछ सालों में हो जाए, लेकिन ये सरकार ही गिर सकती है अगर सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी, क्योंकि क्योंकि लोग कब तक झेलेंगे। जैसे कि आज स्टूडेंट, आज जेई और नीट के स्टूडेंट की संख्या बहुत सारी थी, और बहुत सारे सब जो मतलब जो टेक्नोलॉजी के बारे में जानते थे कि कैसे यूज करना है, इसलिए ये आंदोलन इतना ज्यादा हो गया कि हर रोज 6 मिलियन ट्वीट्स आ रहे हैं। ये तो ये सच है कि शायद सेंट्रलाइज्ड, इसलिए तो सब लोग बस मोदी जी को देखते हैं, क्योंकि मोदी जी ही सब डिसीजन लेंगे। भाई जैन जी, मैं थोड़ा आपसे आपकी बात से सहमत हूँ। हाँ, आपसे सहमत हूँ कि वो सेंट्रली डिसीजन लेते हैं, वन उसको जो अगर साउथ की फिल्म की भाषा में कहेंगे वन मैन आर्मी, तो वो है, वो विदेश मंत्रालय वही देखते हैं, रक्षा मंत्रालय वही देखते हैं, वित्त मंत्रालय भी वही देखते हैं, सारा चीज वही देखते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ ऐसे आंदोलन इस देश के अंदर इन्हीं मोदी काल में हुआ है, जहां पे सरकार को झुकना पड़ा है, अध्यादेश लाना पड़ा है। तो 40 लाख अभी जैसे कि 12 13 लाख स्टूडेंट्स की गणना यहाँ पर हो रही है, तो और उनके पेरेंट्स हैं, उनके दोस्त होंगे, उनके फॉलोअर्स, हम जैसे कुछ कार्यकर्ता होंगे, संदीप भैया जैसे इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, तो मुझे लगता है इस मुहिम को छेड़िए। सोशल मीडिया आज के दौर में आपके लिए एक महत्वपूर्ण औजार है, इस औजार का भरपूर प्रयोग करिए। और नहीं मानेगा तो ठीक तो कहा अभियांशु जी ने कि सरकारें तो जानी ही है, तो ये तो सीधा सीधा युवाओं से लड़ा भी, तो धर्म के नाम पे आपको बोला मंदिर बना रहे हैं, 370 हटा रहे हैं, अब तो आपकी शिक्षा को बर्बाद कर रहे हैं, आपके सीधे सीधे पेट पे लात मार रहा, आपके सम्मान पे लात मार रहा है। तो सही कहा कि आप कब तक इनको झेलेंगे, इसलिए लड़ना पड़ेगा। बड़े बड़े उस समय आप देखेंगे कि लोहिया जी के जैसे चर्चा की, आचार्य नरेंद्र देव जैसे लोगों की चर्चा हुई, जेपी जैसे लोग, सभी इंटेलेक्चुअल थे, सभी पढ़ने लिखने वाले अच्छे प्रोफेशनल, उस समय भी वो पैसा कमा सकते थे, लेकिन वो सारे चीज छोड़ करके मैदान में उतर गए। अभी देखेंगे कि अन्ना आंदोलन में भी बहुत सारे IITian जो विदेश में, हमारे कई एक मित्र पटना के ही साथी हैं, प्रभात रंजन जी साथी हैं, छोड़ करके विदेश से चले आए और यहाँ कूद गए, और अभी गांव में खाक छान रहे हैं, लोगों के बीच संवाद कर रहे हैं। तो हमें जैसे भी तो हमें बर्बाद होना है, तो अपने समाज के लिए लड़ करके ही, भगत सिंह को याद करें, क्या दिक्कत है, फिर गांधी की तरह लाठी खाए, डंडा खाए, क्या दिक्कत है, जेल तो जा रहे हैं। भगत, आपके संदीप भैया हो, अभी अभी जो हमारे वहां के पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उत्तर प्रदेश के, शोएब जी को कैद कर लिया गया, फिर उनके ऊपर कई तरह का दबाव बन रहा है। तो नौजवान झेलने के लिए तैयार हो जाए, और सब 23 क्रॉस कर गए हैं, 23 में तो भगत सिंह फांसी पे लटक गए थे, बहुत प्यार से उन्होंने चुमा था, तो इसी जज्बा के साथ अगर लड़ जाए और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें। अब बहुत अच्छे हमारे साथ अभी हमारे प्रवक्ता भी हैं, और बहुत ही अच्छा ये सब कवरेज, हम लोग को इतना टेक्निक नहीं आता, ये लाइव रिकॉर्डिंग ये सब बॉबी जी कर लेते हैं। हाँ, कुछ आजकल हम लोग वो पोस्टर डिजाइन करने लगे हैं, तो आप सब तो इसके एक्सपर्ट हैं, बनाइए इतना पोस्टर सोशल मीडिया पर कि 20 लाख अगर ये जो 12 लाख स्टूडेंट है चला देंगे, तो हर घर में ये पहुंच जाएगा मैसेज। अपना अपना कंटेंट डालिए और इसके तो मुहिम छेड़ दे एकदम बगैर किसी चिंता के। धन्यवाद। और सर बस एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि जैसे अभय भैया IIT BSU से पढ़ चुके हैं, तो मैं सोच चाहता हूँ कि मतलब एक जो मोटिवेटेड लोग हैं, मतलब जो IITian से जो चाहते हैं कि सच में देश के हित में आए,
और ऐसे ऐसे स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, जैसे कि मेरे दिमाग में कुछ कुछ एक दो आइडिया, जैसे मैंने अनअकैडमी पर जब ये बंद हो गया था कोचिंग, और तो मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया था ऑनलाइन, और मैंने देखा कि इनिशिएटिव इतना ज्यादा पॉपुलराइज हुआ, इतना ज्यादा मतलब, और मैं बहुत कुछ से पढ़ा, मतलब सच में उसके जो मतलब इंटरफेस थे, यूआई थे जो जिस पर वो चल रहा था अनअकैडमी, तो वो मतलब सच में हेल्प कर रहा था स्टूडेंट्स को पढ़ने में, जो जो सीरियस थे, मतलब बहुत सारे ऐसे जो उसमें तरीके थे जिसमें क्वेश्चन अपलोड। तो मैं सोचता हूँ कि जैसे कि यूट्यूब है, तो यूट्यूब में मैं जब पढ़ता हूँ, अब तो अनअकैडमी की मेरी सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई, और मैं कितने बार एक्सटेंड करता, बार बार 6000 खोज रहे थे, और मैं इतना पढ़ चुका था कि सोचा कि अब खुद से रिविजन कर लूंगा, क्यों उनको मतलब वो एक ही क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन देते थे, अब तो रिविजन जो पढ़ाना था पढ़ चुके, तो उसके लिए तो मैंने छोड़ दिया सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी। तो कुछ लोग वो लोग कुछ टीचर्स यूट्यूब पर भी पढ़ाते हैं, तो वही टीचर्स कुछ यूट्यूब पर जो पढ़ाते, तो मैं देखता हूँ यूट्यूब में कुछ कमियां हैं, जैसे क्या कमियां हैं कि लोग कुछ भी कमेंट करते हैं, और मतलब एक प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो मैं सोचता हूँ कि सिर्फ एजुकेशन के लिए कैसा प्लेटफॉर्म आना चाहिए जो कि जैसे यूट्यूब की तरह हो, जो पूरा फ्री हो और हर प्रोफेसर अपलोड कर सके वीडियो, और उसके बाद जैसे यूट्यूब से कमाई होती है एड वगैरह चला के, वैसे कर स्टार्ट हो जाएगा, और पूरी तरह से फ्री प्लेटफॉर्म हम बना सकते हैं। प्रोफेसर्स में जो टीचर्स है उसमें कंपटीशन के लिए हम ट्रेंडिंग लिस्ट, मतलब लगभग यूट्यूब वाले फीचर और अनअकैडमी के जो फीचर से दोनों को मिला के मतलब कुछ ऐसा कर सके, और AI इसके हेल्प से ऐसा मतलब कुछ कुछ बदलाव कर सके कि जो मतलब स्टूडेंट को हेल्प करे, जो सीरियस जो पढ़ने वाले हैं उनके कमेंट को छाटे, कुछ बस 100 रुपया जैसे मेंबरशिप में दो ऐसा दिखाया जाए कि जो पैसे दिए हैं जो 100 रुपया उनके थोड़ा हाईलाइटेड कर दिखाया जाए कमेंट जो स्टूडेंट टीचर्स तक पहुंच पाए, और वीडियो जो है स्लाइड्स के फॉर्म में मुहैया कराया जाए AIR के हेल्प से। मैं ये चाहता हूँ कि मतलब कुछ IITians अगर मिलेंगे जो मोटिवेटेड हो तो बदल सकते पूरी मतलब ये जो स्थिति है, कोचिंग माफिया खुद अपने आप मर जाएगी अगर यूट्यूब से अच्छा कोई एडट्यूब, मैंने सोचा है नाम, मैंने नाम भी सोच लिया, पर मैं उतना पढ़ा नहीं हूँ, अभी 12th ही मैंने पास किया तो मैं जानता नहीं हूँ, और मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वयं NPTEL वगैरह से थोड़ा मोड़ा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक चीज मैं चाहता हूँ कि एक मतलब एनिमेशन, मतलब हर जैसे बड़े बड़े लोग है, जैसे कोई भी नेता वगैरह, कोई भी जिनके बारे में हम सबको उनके बारे में बताना चाहते कि ये थे वगैरह, इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिए, तो उन पर सबसे बढ़िया तरीका है कि हम एनिमेशन मूवीज बनाने स्टार्ट कर दें, एनिमेटेड मूवीज, जो कि क्योंकि देखते हैं कि बच्चे बिना समझे भी उसको पसंद करते हैं कि मतलब ये ऐसे हो रहा है, एनिमेटेड ज्यादा वो देखना चाहते हैं। तो ऐसे करके हम जागरूकता फैला सकते हैं, और एक मैगजीन भी स्टार्ट कर सकते हैं कि जैसे बच्चों को, जैसे बड़े बड़े स्वामी रामानुजन वगैरह है, श्रीनिवास रामानुजन वगैरह है, जो जिनके बारे में बहुत मतलब मोटिवेट किया जा सके बच्चों को ही कि मतलब ये पॉलिटिक्स में इशूज है एनिमेशन के द्वारा, और एक अच्छे एनिमेशन मूवीज बनाया जा सके, और ऐसे स्टार्टअप से फंडिंग भी आ सके जिससे कोई अच्छा गरीबों की मदद हो सके और पूरा ट्रांसपेरेंट हो सिस्टम। ठीक है अभियांशु, बहुत रचनात्मक सुझाव आपने रखा है, और हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों की इस बातचीत से कुछ अच्छी चीजें भी निकलेंगी। अब चूंकि हमारा समय खत्म होने वाला है, इसलिए मैं थोड़ी सी बात रख दूं, और फिर उस पर अगर किसी की कोई प्रतिक्रिया होगी तो आप बताइएगा। मेरा एक प्रस्ताव है, मैंने अभी एक लेख लिखा है कल परसों में, और मैंने उसमें ये प्रस्तावित किया है कि JEE में जो बैठने वाले छात्रों की संख्या है वो करीब अभी 8,58,000 के करीब है, जो अभी मेंस होने वाला है सितंबर में, और JEE का मेंस 2 बार होता है साल में, यानी कि इससे करीब दुगने छात्र जो हैं IIT में प्रवेश के इच्छुक हैं, और इन छात्रों में से करीब 2.5 लाख चुने जाते हैं जो JEE एडवांस की परीक्षा देते हैं, और उसके बाद वो IIT में भर्ती के लिए एक
उनको रैंक मिलती है, जिसके बाद काउंसलिंग के आधार पे कौन सी ब्रांच और कौन सा आईआईटी उनको लेना है वो तय होता है। तो मैंने ये सुझाव रखा है कि ये जो करीब 15-16 लाख इच्छुक लोग हैं इंजीनियरिंग पढ़ने के, अगर देखा जाए तो देश में जो कुल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उनकी संख्या 3000 के ऊपर है और उनमें सीटों की संख्या करीब 15 लाख ही है, यानी कि जितने अभ्यर्थी हैं उतनी ही करीब सीटें हैं जो भरी जानी है। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि बिना परीक्षा लिए, चूंकि उतने इंजीनियरिंग कॉलेज अब देश में खुल गए हैं कि हर एक इंजीनियरिंग पढ़ने के इच्छुक विद्यार्थी का दाखिला हो सके। हाँ, सबको आईआईटी नहीं मिलेगा, लेकिन देश के जो 23 आईआईटी हैं और अब तो हर एक राज्य में एक आईआईटी है, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 आईआईटी हैं, लेकिन पूर्वे पूर्वोत्तर को मिला के एक आईआईटी है गुवाहाटी में और सिक्किम में कोई आईआईटी नहीं है। तो पूर्वोत्तर के 6 राज्य और सिक्किम को मिला के एक आईआईटी गुवाहाटी में, और इसके अलावा देश के प्रदेश राज्य में एक आईआईटी है। तो उस प्रदेश का आईआईटी ये जिम्मेदारी ले ले कि 15 लाख को अगर आप 23 से भाग देंगे तो वो कोई 67 लाख बनता है। तो ये जो 65-67 लाख विद्यार्थी हैं, इनकी जिम्मेदारी हर एक आईआईटी ले ले। हर एक आईआईटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों की संख्या करीब 200 है, तो जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं इस तरह से करीब 15 मिनट का साक्षात्कार यदि हर एक प्रोफेसर करे तो हर एक प्रोफेसर के ऊपर करीब 338 अभ्यर्थियों की जिम्मेदारी आएगी। 15 मिनट में दिन के 8 घंटे में 32 छात्र छात्राओं का साक्षात्कार लेते हुए वो 10-11 दिन में सभी साक्षात्कार पूरे कर सकता है। तो बिना कोई परीक्षा लिए आईआईटी के प्रोफेसर, 23 आईआईटी के प्रोफेसर सभी छात्रों का साक्षात्कार करते हुए, 15 लाख के ऊपर छात्रों का साक्षात्कार करते हुए हर एक छात्र की काबिलियत को पहचान लें और उसके हिसाब से उनको अपने प्रदेश के आईआईटी में या एनआईटी में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, या किसी स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में, या उसके अलावा जो निजी कॉलेज हैं इंजीनियरिंग के, उसमें एक स्थान आवंटित कर दे। अगर उनको लगता है कि छात्र की काबिलियत है तो उसे आईआईटी दे दें, अगर उन्हें लगता है कि उसकी आईआईटी लायक काबिलियत नहीं है तो एनआईटी, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज या कोई प्राइवेट कॉलेज उसको अलॉट कर दें। इस तरह से बिना परीक्षा लिए हर एक छात्र को कहीं ना कहीं कोई सीट मिल जाएगी। अब इसमें संभव है कि आवंटन में ठीक से आवंटन न हो तो किसी छात्र को लगता है कि वो उसे आईआईटी मिलना चाहिए था लेकिन उसको एनआईटी मिला। उस स्थिति में एक साल के बाद, एक साल जब वो अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ लेंगे और जो उनके नंबर आएंगे एक साल के बाद, उसके आधार पर उनको संस्थान बदलने का एक मौका दिया जाए। जैसे मैं आपको बताऊं, मैं आईआईटी बीएचयू में जब मुझे दाखिला मिला तो मुझे पहले केमिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिली थी, लेकिन एक साल के प्रदर्शन के आधार पे मुझे केमिकल से मैकेनिकल में ब्रांच चेंज करने का मौका मिला। तो इसी तरह से एक साल की पढ़ाई के बाद छात्र को अपने कॉलेज को बदलने का भी मौका मिले। ज्यादा काबिल छात्र है तो वो आईआईटी में पहुंच जाए, और इसी तरह से अगर गलती से कोई कम काबिल छात्र आईआईटी में भर्ती हो गया है और वो वहाँ की पढ़ाई उसके लिए ज़्यादा कठिन महसूस हो रही है तो वो किसी एनआईटी या स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज में आ जाए। तो इस तरह से एक साल के बाद अगर चयन या आवंटन की, जिसको चयन की प्रक्रिया नहीं कहना चाहिए क्योंकि इसमें किसी को अस्वीकार नहीं किया जाएगा, आवंटन की प्रक्रिया में यदि कोई गड़बड़ी होती है तो उसको ठीक कर लिया जाए, और इस तरह से बिना किसी परीक्षा के छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ सकेगा। अब इसमें जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि हम कोचिंग संस्थानों के प्रकोप से मुक्त हो जाएंगे। कोचिंग संस्थानों का इतना आतंक है छात्रों के ऊपर कि जैसा बताया गया, कुछ छात्र आत्महत्या तक कर लेते हैं और इसमें माता पिता का बहुत पैसा भी खर्च होता है,
और मैं आपको बताऊं कि इनका इतना आतंक है कि हैदराबाद के अंदर दो बड़े कोचिंग संस्थान है, चैतन्य और नारायण, ये आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में शिक्षा के अधिकार अधिनियम को लागू नहीं होने दे रहे, जिस अधिनियम की वजह से 25% गरीब छात्र निजी विद्यालयों में पढ़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में वो प्रक्रिया लागू है, दिल्ली में लागू है, गुजरात में लागू है, कर्नाटक में लागू है, लेकिन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में सिर्फ इन कोचिंग संस्थानों की वजह से ये प्रक्रिया लागू नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जब गरीब छात्र निजी विद्यालयों में आ जाएंगे तो वहां पढ़ाई का स्तर घट जाएगा, और हैदराबाद के स्कूलों में इन कोचिंग संस्थाओं ने एक तरीके से कब्जा कर लिया है, वहां छात्रों की पढ़ाई विद्यालय नहीं कराता है बल्कि ये कोचिंग संस्थान कराते हैं। वो कहते हैं कि हम इनकी पढ़ाई भी करा देंगे ताकि ये बोर्ड की परीक्षा पास कर लें, और हम इनको आईआईटी या मेडिकल की तैयारी भी करा देंगे। तो कोचिंग संस्थानों से मुक्ति पाना बहुत जरूरी है, और जो नई शिक्षा नीति अभी हमारी सरकार ने घोषित की है उसका एक उद्देश्य है कि कोचिंग और व्यावसायिक संस्थान, यानी जो पैसा कमाने के लिए जो शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं, ऐसे संस्थानों से हमें छुटकारा पाना है, तो सरकार का भी उद्देश्य पूरा होगा। तो मेरा यह प्रस्ताव है कि बिना परीक्षा लिए भी सभी अभ्यर्थियों को इंजीनियरिंग पढ़ने का मौका मिल सकता है, और सरकार को इस तरह का कोई रचनात्मक रास्ता निकालना चाहिए। एक आईआईटी बंबई के प्रोफेसर हैं कन्नन मौदगल्या, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है, उसमें भी कुछ इसी तरह की बात कही है कि आप इस समय छात्र को किसी न किसी इंजीनियरिंग संस्थान में दाखिला दे दीजिए और 2 साल के बाद परीक्षा लेके फिर आप तय कीजिए कि वो किस आईआईटी में या किस संस्थान में उसको दाखिला मिलना चाहिए। तो या उन्होंने भी यही वकालत की है कि हर एक छात्र को पढ़ने का मौका मिले और एनपीटीएल और स्वयं के कोर्सेस से वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल कर सकता है, और अगर उसकी काबिलियत आईआईटी में जाने लायक है तो 2 साल के बाद प्रवेश परीक्षा देके वो आईआईटी में जा सकता है। अब मैं जो तात्कालिक मुद्दा है उस पे आता हूँ, और जो परीक्षा को स्थगित करने की बात है बिल्कुल जायज़ है, हमारी सोशलिस्ट पार्टी इसमें छात्रों का समर्थन करती है, और आज मैंने एक ट्विटर पे संदेश भेजा है कि यदि सरकार उनकी बात नहीं मानती है, देखिए कितनी अजीब बात है कि हमारे प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं, और आपको याद होगा कि पिछले साल या उसके पहले उन्होंने जब परीक्षाएं होने वाली थी तो छात्रों को इकट्ठा करके परीक्षाओं के बारे में छात्रों को एक प्रवचन दिया, यानी परीक्षा के ऊपर प्रधानमंत्री तो छात्रों को प्रवचन दे सकते हैं, लेकिन छात्र अगर परीक्षा के बारे में प्रधानमंत्री को अपनी बात सुनाना चाहे तो हमारे प्रधानमंत्री सुनने को तैयार नहीं है। बिल्कुल अभय ने ठीक बात कही कि जो राजनीतिक माहौल देश के अंदर है उसमें ये सरकार जनता की बात बिल्कुल नहीं सुनना चाहती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर जीडी अग्रवाल, जो साधु बन गए थे, स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से जाने जाते थे, गंगा के संरक्षण की कानून को मांग को लेके 2018 में 112 दिनों के अनशन करने के बाद उनकी जान चली गई हरिद्वार में, लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। तो जब सरकार एक आदमी की बात सुनने को तैयार नहीं है जो इतना प्रतिष्ठित वैज्ञानिक है और संत है और गंगा पे बात कर रहा है, तो आप ये भूल जाइए कि वो छात्रों की बात को सुनेंगे। ये बात अभय ने ठीक कही। तो मेरा ये सुझाव है, अब ये छात्रों के ऊपर है कि वो इसको माने या ना माने, छात्रों को ये कहना चाहिए कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे और हमारी परीक्षा को स्थगित नहीं करेंगे जेई एनईईटी की, तो बिहार के चुनाव में जो आने वाला पहला चुनाव है उसमें बिहार के नौजवान और छात्र चुनाव का बहिष्कार करेंगे और बहिष्कार करने का एक अभियान चलाएंगे। तो हो सकता है बहुत सारे छात्र हो ऐसे हो जो अभी मतदान की उम्र में ना हो, लेकिन उनके घर वाले, उनके परिवार वाले, उनके दोस्त, उनके रिश्तेदार अगर ये कह दें कि अगर ये परीक्षा टाली नहीं गई तो आने वाले बिहार के चुनाव में एक बहिष्कार का निर्णय लिया जाएगा,
इन परिवारों द्वारा, तो मुझे लगता है कि इसका एक दबाव बन सकता है और एक पार्टी के रूप में हम लोग ये भूमिका ले सकते हैं कि अगर ये परीक्षाएं नहीं टलती हैं तो इसका बिहार चुनाव का बहिष्कार किया जाए। तो मैं चाहूंगा कि इसके बारे में एक एक दो दो वाक्य में लोग अपनी राय रख दें, और फिर चूंकि 8 बज गया है, 1 घंटे का कार्यक्रम था, हम लोग इस कार्यक्रम को संपन्न करेंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो इस अभियान को आगे चलाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हमारी पार्टी करेगी। बिहार में हमारे नौजवान नेता हैं गौतम कुमार प्रीतम जी, वो इस अभियान को लीड कर सकते हैं बिहार के अंदर कि अगर सरकार नौजवानों की बात नहीं मानेगी तो नौजवान भी फिर सरकार को इसका अच्छा जवाब देंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चुनाव के बहिष्कार का एक दबाव बनता है, ये मैंने देखा है। कोई छोटा सा भी गांव अगर निर्णय ले ले कि हम चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं तो अधिकारियों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। तो अगर ये सार्वजनिक घोषणा हो गई और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो गए तो निश्चित रूप से इसका दबाव बन सकता है। तो एक एक दो दो वाक्य में सब लोग अपनी प्रतिक्रिया रख दें और फिर हम कोई निर्णय ले सकते हैं। जी बिल्कुल सही अंकल, इसमें इसके मुझे आपका सुझाव बिल्कुल सही लगा। थोड़ा माइक अपने मुंह के पास लाइए प्रकर्ष जी। तो आपके सुझाव से मैं पूरी तरह सहमत हूं और दबाव बनाने के लिए बहुत जरूरी है। साथ ही हम लोग आईआईटी के जो एलुमनस हैं, हम लोग उनके साथ भी एक ऑनलाइन पिटीशन चला सकते हैं, पूरे दुनिया के जो आईआईटी के एलुमनस हैं, कि हम ये एग्जाम नहीं, हम नहीं चाहते कि एग्जाम हो, और फिर वो सभी आईआईटीज को हम भेज भी सकते हैं और उसको सोशल मीडिया पे हम ट्रेंड भी कर सकते हैं। उससे भी आई थिंक उन्हें पता भी लगेगा कि पूरे वर्ल्ड में लोग क्या चाह रहे हैं, जो आईआईटी से पास आउट हुए हैं वो लोग भी यही चाहते हैं। सिंह मैम ठीक है, बहुत अच्छा सुझाव। सर मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ, जैसा आपने बताया, आपने जो सुझाव दिया, मैं उसी तरीके का एक और सुझाव देना चाहता हूँ कि जैसे जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में वो सेम होता है सभी ब्रांचेस के लिए, तो मैं ये सुझाव देना चाहता हूँ कि इंटरव्यू की कोई जरूरत ना हो, जैसे स्वयं पोर्टल है और NPTEL है, उसके थ्रू सारे बच्चों को, जितने भी छात्र है 15 लाख के करीब, सबको पढ़ने का मौका मिले, फर्स्ट ईयर एटलीस्ट फर्स्ट ईयर पढ़ने का मौका मिले, और उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद जो एग्जाम हो एंट्रेंस एग्जाम, उसमें 11th 12th के सिलेबस के साथ साथ फर्स्ट ईयर का जो बच्चों ने पढ़ा उसका भी पार्ट हो उसमें, और उसके बेसिस पे उनको इवेल्युएट करके उनको कॉलेज दिया जाए, ना कि उनको इंटरव्यू किया जाए, क्योंकि इंटरव्यू में सर सब्जेक्टिविटी का जो एलिमेंट है वो आ जाता है। जो बड़े स्कूल के छात्र हैं, जो बहुत इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्र हैं, उनमें कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, तो उनको फायदा मिलता है इंटरव्यू के टाइम, क्योंकि उनमें इतना कॉन्फिडेंस होता है, उनको डिबेट वगैरह की आदत होती है, तो इंटरव्यू के टाइम उनका इवैल्यूएशन ज्यादा अच्छा होगा। और जो कि सरकारी स्कूल का छात्र है जिसने आज तक जीवन में कभी इंटरव्यू नहीं दिया, तो उसका चाहे वो कितना भी काबिल क्यों ना हो, उसका इवैल्यूएशन कम होगा इंटरव्यू में। तो मुझे लगता है इंटरव्यू की बजाय ये हो सकता है कि फर्स्ट ईयर का, जैसे मेडिकल का भी जो भी सिलेबस है वो सेम होता है, तो फर्स्ट ईयर का स्वयं पोर्टल या इन सब के माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जाए, और उसके बाद, और क्या होता है कि जब हम 11वीं 12वीं की पढ़ाई करके इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो क्या होता है, हमें नहीं पता होता कौन सी ब्रांच अच्छी है कौन सी बुरी है, या हमें किस ब्रांच में इंटरेस्ट है और किस ब्रांच में इंटरेस्ट नहीं है, कि हमें कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट है या मैकेनिकल में। तो फर्स्ट ईयर का अगर हम पढ़ाई करें ऑनलाइन, तो इससे हमें ये होगा कि हमें ज्ञान तो होगा कि कौन सी ब्रांच हमारे लिए सही है, तो उस हिसाब से हम बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं जब हम एक साल बाद एग्जाम देंगे और फिर हमारा इवैल्यूएशन होगा और उसके बाद हमारी काउंसलिंग होगी, तो हमें पता होगा कि हाँ मुझे इस विषय में रुचि है तो मुझे इसमें इंजीनियरिंग करनी है। तो मेरा ये सुझाव है सर। ठीक है, बहुत अच्छा सुझाव है और ये इस पे भी विचार करने लायक। गौतम भाई आप बताइए। थोड़ा माइक पास लाइए मुंह के माइक। तो अभियान की तरफ पढ़ना है। हाँ मैं कर, हाँ, आवाज आ रही है, आ रही है। माइक पास लाइए। अब ठीक है? हाँ 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 अच्छा। हाँ मैं ये कह रहा था कि बहुत अच्छा सुझाव सभी साथियों का आ गया है और इस पर हमें इंसेंटिव ले लेना है,
सभी राय लेकर के। तो एक मुझे लगता है कि एक अपील संदीप भी आप बना दें, और उस अपील को हम लोग यहाँ उसका एक वीडियो बना करके भी और फेसबुक पर और जो यहाँ के सोशल मीडिया और जो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया है उन सब में हम लोग दे दें कि छात्र इस तरह से सोच पा रहे हैं, और अगर इस तरह के चीजों पर सरकार संज्ञान नहीं लेती है, इस एग्जाम्स को नहीं रोक रहा है क्योंकि इसके सारे कंडीशंस हैं, वो कंडीशन को रख देते हैं, तो इसकी एक अभियान शुरुआत हो, लगातार अगर 10 दिन चला दिया जाए तो मुझे लगता है कि इसका एक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है और वो आपने बहुत अच्छा कंटेंट रखा है जी। गौतम भाई, इसमें मैं ये चाहूंगा कि मैं तो इसमें जो बनाना है वक्तव्य वो बना दूंगा, लेकिन आप चूंकि बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं जी, तो इसका नेतृत्व आप कीजिए और आप ये आह्वान कीजिए छात्रों नौजवानों से कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, इसलिए हम ये चुनाव का बहिष्कार करेंगे। ऐसा आप एक एक अगर वहां से बयान दे देंगे और आपका एक वीडियो बॉबी वो रिकॉर्ड कर लेंगे और उस वीडियो को फिर चला दिया जाए, तो ये अगर अभियान जोर पकड़ लिया तो फिर इसका एक दबाव बन जाएगा। ठीक है, ये हम लोग कर लेते हैं। तो इस कार्यक्रम के बाद बॉबी आपका एक बयान जो है रिकॉर्ड कर लेंगे। जी जी ठीक है। तो हमें लगता है कि बॉबी कुछ कहना चाहेंगे इसमें। बस यही बात की संदीप भैया, गौतम भाई अगर ये अपील जारी करते हैं हाँ। तो हो सकता है प्रकर्ष अगर मदद कर सके या अभय कोई मदद कर सके ऑनलाइन पिटीशन के लिए हाँ, तो जिससे और अभियांशु की मदद से फिर जो छात्र हैं और उनके जो परिवार वाले लोग हैं वो चाहे हाँ। जिस भी शहर में रह रहे हों वो हाँ। कम से कम ये समर्थन दें कि वो चुनाव का बहिष्कार करेंगे अगर सरकार उनकी बात नहीं मानेगी। ठीक है, अभय अभय और प्रकर्ष मैं भी यही कहने वाला था जो एग्जैक्टली बॉबी ने कहा कि जो ऑनलाइन पिटीशन का जो सुझाव है, तो अभय एक गूगल फॉर्म बना ले और अभय और प्रकर्ष मिलके उसको फाइनल कर लें कि एक सिग्नेचर कैंपेन चलाने के लिए एक स्टेटमेंट आप छोटा सा बना लीजिए और उसमें अभय आपका जो सुझाव है वो भी आप रख सकते हैं कि एक साल के लिए NPTEL और स्वयं से बच्चे पढ़ें और फिर एक साल के बाद परीक्षा हो, तो आप ये इसको एक सुझाव के रूप में रखिए। तो आप ये स्टेटमेंट बना के और इसका एक सिग्नेचर कैंपेन आप लोग चालू कर दीजिए। एक बार आप दोनों लोग मिलके स्टेटमेंट तय कर लीजिए, फिर हम लोगों के साथ साझा कर लीजिए, और लेकिन इसको 1-2 दिन के अंदर करना पड़ेगा क्योंकि 1 और 6 तारीख के बीच में परीक्षाओं की घोषणा हो चुकी है, तो इसको हमें जल्दी चलाना पड़ेगा। तो और ये इसमें ये हो सकता है कि जैसे ये जिस दिन हम लोग अपील जारी करें तो ये जो हमारे छात्र साथी हैं उस दिन वो भी उस अपील के समय जब इस तरह से मीट हो जाए और इससे अपील हो जाए और वो वीडियो जो है कम से कम 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट के अंदर ही जी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक छोटा वीडियो ज्यादा जाता है, तो हम लोग अपील करें और उसमें ये लोग सभी शामिल हो जाए। अच्छा, तो आपका कहना है कि हम इस तरह का एक कार्यक्रम करके उसको लॉन्च करें। हाँ, उसमें क्या होगा कि छात्र का पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा और भी छात्रों को हम लोग उस दिन जोड़ लें हाँ। वो आप वीडियो में वो लोग दिख भी जाएंगे और जो सरकार पर है कि वो नहीं लगेगा कि पार्टिकुलर कोई पार्टी बोल रहा है बल्कि छात्र संगठन बोल रहा है, और हम लोग बतौर छात्र संगठन के सहयोग में हम उस पीछे पार्टी का जो भी बैनर लगा वो नहीं लगा भी रहेगा। नहीं नहीं, वो लगा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा। हाँ, क्योंकि ये अभियान सोशलिस्ट छात्र सभा की तरफ से भी लिया जा सकता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रुद्रा देवस्थली हैं एक नालसार के छात्र, उन्होंने जिम्मेदारी ली है छात्र सभा के गठन की, तो हम उनसे बात करते हैं, लेकिन फिर इसको हमको जल्दी करना पड़ेगा एकदम इमीडिएट, कल परसों कल तो अगर कल ही शाम तक कर ले तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, तो कल इसी टाइम पे 7 बजे एक 15 मिनट का कार्यक्रम रख के और उसमें अभय और प्रकर्ष का सिग्नेचर कैंपेन भी चालू हो जाए और गौतम भाई और मैं भी 1-2-3 मिनट का रिकॉर्ड कर दूंगा, हम लोगों का वीडियो भी लॉन्च हो जाए, है ना। पर गौतम भाई का उसमें भूमिका रहेगा और गौतम भाई उसको जो है एक तरीके से आह्वान करें नौजवानों और नवयुवतियों को। जी जी
ठीक है। और वीडियो एक्चुअली कल 7 बजे फिर रिकॉर्ड हो सकता है, कल आप और गौतम भाई अपनी मैसेज दे देंगे, दो जितने भी मिनट देना है, और उसके बाद ये लॉन्च करके 15। अच्छा, आपका कहना है कि उसी समय रिकॉर्डिंग हो जाए? हाँ, उसी समय लाइव रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी आपकी, उसके बाद गौतम भाई की, और ये सारे कार्यक्रम में। तो आप ऐसा कीजिए, गौतम भाई आप एक 5 मिनट का वक्तव्य तैयार कीजिए, मैं एक 5 मिनट का वक्तव्य तैयार करता हूँ, और अभय और प्रकर्ष ये दोनों भी 5 मिनट में सिग्नेचर कैंपेन के बारे में बता के और उसको उसी समय लॉन्च कर दें। जी जी, ठीक है ठीक है। तो एक 15 मिनट का 7 से 7:15 का लेख रख लीजिए फिर, या उसको 8 बजे रखें बॉबी? हाँ, 8 बजे भी ठीक है, तो 8 से 8:15 कर लीजिए, और यही लिंक रहेगा जो आज का। हाँ, ठीक है, लिंक। गौतम भाई भी अपना प्रचार उचार करके आ जाएंगे आराम से, ठीक है। और सर, जाते जाते मैं बस एक लास्ट चीज बोलना चाहूंगा, बस इंग्लिश में, मैंने कहीं से लिखा है चुनाव के बारे में कि कैसे लोग क्या सोचते हैं, तो इंग्लिश में, व्हाट द पब्लिक माइंड इज, दिस गाइज विल गेट इलेक्टेड एंड देन दे विल नॉट कम हियर टिल द नेक्स्ट इलेक्शन, सो व्हाट एवर मनी दे हैव गिवन टुडे ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे वोट, दिस इज द माइंड सेट टूडे इन द पब्लिक। In the moment you create an impression that you are dedicated to a cause and you will be available after getting elected to hear their problems. The same Indian people get elected without spending any money. Demonstrate you will get work done. So your logics, money will not be taken. बस इतना ही, डिमोन्स्ट्रेट करके समझाया। हाँ, ठीक है, ये बहुत अच्छा समापन हुआ इस कार्यक्रम का। कल हम लोग फिर 8 बजे मिलेंगे, ठीक है। और अभियांशु, आप कोशिश कीजिए कि और भी थोड़े छात्र शामिल हो सके उस कार्यक्रम, उसका अनाउंसमेंट अभी बॉबी बना के भेज देंगे। ओके सर। हाँ, लिंक यही रहेगा और फिर ठीक है, सभी को धन्यवाद।